हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। कुछ दिन पहले मैंने रांची के टॉप 5 क्रिकेट एकेडमीज पे वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे जो नंबर 2 पे जो एकेडमी थी साई क्रिकेट एकेडमी, उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इस एकेडमी पे वीडियो बनाओ, यहाँ का क्या फ़ीस है और यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है। अगर फीस की बात करूँ तो इस एकेडमी का जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। गाइस, अक्टूबर 2017 में मैं भी रांची गया था, तो वहाँ मैंने ये जो एकेडमी है साई क्रिकेट एकेडमी, इसी एकेडमी में एडमिशन लिया था और वहीं पे मैं प्रैक्टिस करता था। वहाँ से मैंने बी डिवीज़न लीग वगैरह भी खेला था और फिर मेरा 12th का एग्ज़ाम्स था, तो इसलिए मैं एक साल क्रिकेट से मैंने ब्रेक ले लिया और मैं वापस आ गया था अपने 12th के प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ के जो कोच हैं उनका नाम है मानिक सर, वो काफ़ी अच्छे कोच हैं, बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर्सनली आपको गाइड करेंगे, आपका जो वीकनेस है आपके वीक पॉइंट्स पे हर एक चीज़ पर वो वर्क करते हैं। गाइस, जब मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे एक सीनियर भैया थे जो कि MS धोनी के साथ रणजी खेल चुके थे और वो अभी वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते थे, तो उनके साथ भी मैंने मैचेस खेला था। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग पूछ रहे थे कि यहाँ से किसी प्लेयर ने IPL खेला है कि नहीं, तो IPL में जो मोनू कुमार हैं और राहुल त्रिपाठी है, ये दोनों प्लेयर भी यहाँ से अकेडमी कर चुके हैं और मोनू कुमार अभी फ़िलहाल रांची में ही है, लेकिन जो राहुल त्रिपाठी है वो पुणे शिफ्ट हो चुके हैं। गाइज, एकेडमी के फैसिलिटीज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 टर्फ विकेट्स हैं और 2 सीमेंटेड विकेट हैं। सीमेंटेड विकेट जो है उस पर आप सिंथेटिक बॉल वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हो और जो टर्फ विकेट है उस पर लेदर बॉल से प्रैक्टिस किया जाता है। साथ ही यहाँ पे एक नॉकिंग विकेट भी रखा गया है जिसपे अगर आप नॉकिंग करना है तो आप उस विकेट को यूज़ कर सकते हो और उस पर आप नॉकिंग कर सकते हो। अगर मैचेस की बात करूँ तो यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं और साल में जो भी लीग्स होते हैं वो हर एक बच्चे को खेलने का मौका ज़रूर मिलता है। अगर आप ज़्यादा अच्छा खेलते हो तो आपको ज़्यादा अच्छी टीम मिलेगी, जिस लेवल के आप प्लेयर हो उस लेवल की आपको टीम दी जाएगी और आपको लीग्स में मौका ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा बच्चे ध्यान देते हैं कभी भी एकेडमी ज्वाइन करते वक्त, कि एकेडमी का खुद का ग्राउंड है या नहीं, तो यहाँ पे जो एकेडमी है इसका खुद का ग्राउंड नहीं है, लेकिन इसके जस्ट बगल में रांची कॉलेज का ग्राउंड है और वहीं पे इसके सारे प्रैक्टिस मैचेस होते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे खुद का ग्राउंड नहीं होते हुए भी एक ग्राउंड है जिसमें कि ये जितने भी प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वो वहीं पे करवाते हैं, और ऐसा नहीं है कि मंथ में एक दो मैच होता है, वीकली एक दो मैचेस होते रहते हैं। तो मैचेस आपको पूरा मिलेगा, प्रैक्टिस आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है यहाँ पे, कोच काफ़ी अच्छे हैं, आप पे बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस में 4 बैचेस हैं, चारों बैचेस में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, जो जिस लेवल के प्लेयर होते हैं उन्हें उस टाइम पर बुलाया जाता है। जैसे जैसे आप खुद को इम्प्रूव करोगे वैसे वैसे आपको हाई लेवल के प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे आप आसपास में रूम लेके रह सकते हो, रूम वहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का, तो यहाँ पे जब आप जाओगे एडमिशन के लिए तो आपको नेट्स में खिलवा के देखा जाएगा कि आप किस लेवल के प्लेयर हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बैच है वो आपको बता दिया जाएगा कि आप किस बैच में आ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि ट्रायल्स से सिलेक्शन होता है, अगर आपका ट्रायल्स अच्छा नहीं गया तो ऐसा नहीं कि आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन होगा, लेकिन आप जिस लेवल के प्लेयर हो उस लेवल के प्लेयर्स के साथ ही आपको रखा जाएगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसको कि आप फिल करके एंड देन रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दोगे तो आपको उस एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद आप मंथली पे करोगे और वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइस, और लास्ट में मैंने आपको बोला था कि आपको जो इसका फ़ीस है वो बताने वाला हूँ। फ़ीस इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है 500 रुपीज़ और जो मंथली फ़ीस है वो है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ पर मंथ। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे आपको एकेडमी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, एकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उनका नंबर लेके उनको कॉल कर सकते हो, और जो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मेरे को फॉलो करके वहाँ पे जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा वो आप मेरे से वहाँ पूछ सकते हो। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।